अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खवातीन। आज की हमारी वीडियो जो है दैट इज़ अबाउट द वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना का एक बड़ा मंसूबा है पिछले 10 सालों से जो चल रहा है, इसको हम सिल्क रोड भी कहते हैं, सिल्क रूट भी कहते हैं, जिसको पाकिस्तान में हम सी पैक के नाम से भी जानते हैं। सी पैक बेसिकली उस पूरे बड़े प्रोजेक्ट का जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसका एक छोटा सा, यानी उस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें एक छोटा सा, ऑब्वियसली पाकिस्तान के हिसाब से तो एक बड़ा मंसूबा है, बड़ा उसका एक प्रोजेक्ट है। लेकिन एक्चुअल जो ये सारा सारा जो प्रोजेक्ट है इसको वन बेल्ट एंड वन रोड या वेल वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से कहा पहचाना जाता है, इसको हम जानते हैं। तो ये क्या चीज़ है और इसके हिसाब से क्यों अक्सर लोग कहते हैं कि इस एरिया में जो साउथ एशिया का एरिया है इसमें एशिया की सेंचुरी का या एशियाई सदी का आगाज होने वाला है और एशिया यूरोप से आगे निकलने वाला है, इस तरह की बातें क्यों होती हैं, ये इसके पीछे किस हद तक हकीकत है? और इस सारे के सारे सिनेरियो में अगर इस एरिया में साउथ एशिया में नया ब्लॉक बनता है, नई ब्लॉक जो गेम चल रही है, अगर ये होती भी है तो इसमें पाकिस्तान कहाँ पे होता है, पाकिस्तान का क्या रोल होगा इसमें, कहाँ पे हम इसमें सर्वाइव कर भी रहे हैं या नहीं है, तो इसमें हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो एरिया है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2013 में चाइना के सदर शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया था, जिसको वन बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का नाम दिया गया था। इसको बहुत सारी जगहों पे न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं और ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव का एक ऐसा मंसूबा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में मोर देन 50% ऑफ द ग्लोब को क्या करता है, सर्कल करता है, उसको कवर करता है। तो ये वाला एक प्रोजेक्ट जी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फिजिकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है कि ये सड़क के थ्रू, जमीनी रास्तों के थ्रू पूरी दुनिया को या जितने मुल्कों तक के फैला हुआ है उनको आपस में लिंक करना चाहता है, आपस में जोड़ना चाहता है। और दूसरा मैरीटाइम, यानी कि ये मैरीटाइम समंदर के थ्रू पानी के रास्तों से पूरी दुनिया को आपस में लिंक करना चाहता है। तो इसके पीछे चाइना का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, चाइना का जो सबसे बड़ा एम है, जो गोल है, जो इसे वो अचीव करना चाहता है, जो वो कर बताते हैं इसमें। अगर आप देखते हैं तो चाइना ने इसमें $900 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इसमें $900 बिलियन का ये मंसूबा है। $900 बिलियन इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक अरब रुपए यानी कि हम सिर्फ 100 करोड़ के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे तरस रहे होते हैं कि पाकिस्तान को कोई 1 अरब रुपए दे। और ये 900 अरब $900 बिलियन का ये मंसूबा था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 900 अरब रुपए कितने ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि चाइना इससे क्या हासिल करना चाहता है, तो चाइना के ख्याल में या चाइना का मसला या चाइना जिस वजह से इसको शुरू कर रहा है वो ये है कि चाइना लिंक करना चाहता है। किस चीज़ को चाइना लिंक करना चाहता है? एशिया को, यानी साउथ एशिया या चाइना, जिस चाइना खुद है चाइना, क्योंकि खुद इतना बड़ा है कि इसका एक कॉर्नर और साउथ एशिया में पाकिस्तान और दूसरा कॉर्नर वो साउथ ईस्ट एशिया में लगता है कहीं जाके, जो सॉरी जो मिडिल एशिया से ईस्ट एशिया का सेंट्रल एशिया का जो एरिया है उसको जाके टच करता है। तो चाइना इन सारे एरियाज़ को रोड के थ्रू टच करना चाहता है, और रोड के थ्रू टच करने से मुराद है कि वो यहाँ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें बनाना चाहता है, रेलवेज बनाना चाहता है, और जो दूसरी एनर्जी पाइपलाइंस हैं वो बिछाना चाहता है। ये चाइना का इसके बारे में एक मंसूबा है, चाइना इससे ये गेन करना चाहता है। और ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, जैसे आप नक्शे में देख भी रहे होंगे, जो उसका टोटल मैप है आप उसमें देख रहे होंगे कि ये चाइना के जो बीजिंग है, चाइना से शुरू होते हुए पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान, उससे आगे निकलते हुए निकलते ये जितने सोवियत रिपब्लिक्स के फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के मुल्क हैं, और फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के मुल्क से मुराद है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और जब सोवियत यूनियन टूटा तो ऑब्वियसली ये फिर न्यू स्टेट्स बन गए, यानी कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ तक कि ये जो एरिया ये जाता है वेनिस तक, वेनिस एथेंस तक जाता है, उसके बाद ये नैरोबी यानी कीनिया से होता हुआ और फिर कोलंबो से होता हुआ श्रीलंका, मालदीव, इन सारे इलाकों से होकर दोबारा चाइना पर आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्लोबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ये यूरोप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इस सारे एरिया को थ्रू रोड, थ्रू जो फिजिकल ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू। इसमें जो सबसे बड़ा चाइना का है वो ये है कि इसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इलाकों की, इन मुल्कों की, जो गरीब मुल्क हैं उनकी होनी चाहिए। तो बज़ाहिर तो ये जो जो इनिशिएटिव है, ये जो मंसूबा है, ये बड़ा एक फ्रूटफुल नज़र आता है, बड़ा शानदार मंसूबा नज़र आता है। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखते हैं जितनी हुकूमतें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो 2013 की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले हों जो कि इस सारे मंसूबे का क्रेडिट लेते हैं, वो सब इस मंसूबे का क्रेडिट लेते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम में सी पैक जैसे मंसूबे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसकी वजह ये है कि इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, इससे पाकिस्तान जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, सॉरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आगे कैरी ऑन कर सकता है। तो इस सारे मंसूबे में अब आजकल के अगर आप सिचुएशन देखते हैं, पिछली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट गुजरी है, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें आपने देखा होगा कि इसी वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये उन दिनों में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। 2013 से शुरू हुआ, 2023 अभी चल रहा है, 2020-21 में इमरान खान साहब गवर्नमेंट कर रहे थे,
तो ये जो मनसूबा था ये आप समझे कि बिल्कुल अपनी पीक पे चल रहा था 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान में खास तौर पे। तो आपने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान चाइना के करीब हो रहा था, पाकिस्तान तुर्की के करीब हो रहा था, पाकिस्तान रशिया के करीब हो रहा था। इस पूरी की पूरी जो मनसूबा, इसके जो बड़े प्लेयर हैं उनमें सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली चाइना है और दूसरे नंबर पर इसमें बड़ा प्लेयर रशिया है। चाइना, रशिया, तुर्की और अब सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, ये वो ममालिक थे जिन्होंने मिलकर इस साउथ एशिया में एक ब्लॉक क्रिएट करके, एक ब्लॉक ऑफ पावर बना के, तो यूरोप को, अमेरिका को और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो आजकल आजकल क्या मतलब जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में जिनका शुमार होता है, उनको टक्कर देनी थी या उनसे कम्पीट करके साउथ एशिया को आगे लेकर जाना था। बट और हम देख भी रहे थे कि पाकिस्तान वाज प्रोग्रेसिंग, पाकिस्तान चाइना के साथ भी ताल्लुक बना रहा था, पाकिस्तान रशिया के साथ ताल्लुक बना रहा था, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुक बेहतर हो रहे थे। लेकिन उसमें यही हुआ कि पाकिस्तान में फिर से एक गवर्नमेंट चेंज हुई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चेंज करके पीडीएम की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुक थे उनको स्क्वीज किया, जो रशिया के साथ ताल्लुक थे उनको और स्क्वीज किया गया और अमेरिका की ब्लॉक में हम दोबारा चले गए। अब आप देखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया किस तुलिए सुलह कराएगी, उनकी दोस्ती हुई जिसपे हमारी एक वीडियो आ रही है बहुत जल्द, उसमें किसका रोल था, चाइना में हुई, वो चाइना में बैठे थे, पाकिस्तान कहाँ पे था, कहीं भी नहीं था। उसके बाद दूसरा इंडिया, अब आपने जो ताल्लुकात है वो इन रशिया और चाइना के साथ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ, यानी वो अब इस सारी गेम में दाखिल होना चाह रहा है और पाकिस्तान जो पहले से गेम में था उसको बाहर कर दिया गया, पाकिस्तान अब उस गेम में कहीं पे नजर नहीं आता। तो ये सारा वो गेम और पाकिस्तान इसमें कहाँ पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता था बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या वापस हम खुद को गेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह बहुत सारे एनालिस्टिया कहते हैं, आपने सुना होगा अक्सर के पाकिस्तान के बारे में, सारे मुल्कों का ये ख्याल था कि यहाँ की जो हुकूमतें आती हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करके जो उनकी नेशनल इंटरेस्ट है, जो मुल्कों की इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान के मुल्क की इंटरेस्ट है, उसको पीछे कर दिया जाता है। और आप देख रहे थे कि रशिया अब बकौल इमरान खान के पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा था लेकिन हमने वो नहीं लिया, और क्यों नहीं लिया, गंदम सस्ती दे रहा था, नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, आई डोंट नो, क्योंकि उसका खुमियाजा किसने भुगता, पाकिस्तानी आवाम ने भुगता, हमने भुगता, आपने भुगता, जिसके इसके बाद आप देखें अभी तक पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है। अब हम उन चीज़ों पे बात करते हैं कि चाइना का ये जो मंसूबा है क्या ये वाकई ख़तरनाक है और इस पर क्रिटिसिज्म क्यों होती है और इसमें एक्चुअल जो मसाइल हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले इल्ज़ाम जो चाइना पे लगाया जाता है रिगार्डिंग दिस इनिशिएटिव और रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, वो ये है कि चाइना जो है ये एक डेट ट्रैप बिछा रहा है उन लोगों के लिए, उन गवर्नमेंट्स के लिए जो इनसे पैसे बोरो करते हैं, यानी जिन लोगों को, जिन मुल्कों को चाइना कर्जा देता है, कर्जा प्रोवाइड करता है, उनके लिए चाइना एक जाल बिछा रहा है और इस जाल में फंसा के चाइना फिर उन लोगों को अपने साथ या अपने साथ शामिल करेगा या गुलाम करेगा जो भी करेगा, लेकिन चाइना एक डेट ट्रैप बिछा रहा है। और ये पाकिस्तान में अक्सर इस चीज़ का बहुत जिक्र होता है, हम कहते हैं कि हम चाइना से कर्जा ले रहे हैं और एक टाइम आएगा जब हम चाइना का कर्जा देने के काबिल नहीं होंगे तो फिर हम चाइना के साथ कैसे डील करेंगे, इस पर बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती है पाकिस्तान में, अब भी होती है और पिछले कई सालों में होती रही है। दूसरा जो इल्ज़ाम चाइना पर लगाया जाता है वो ये है कि चाइना इज़ क्रिएटिंग एन अनरेस्ट। अनरेस्ट अब कैसे चाइना क्रिएट कर रहा है लोग, ये मतलब जो यूनाइटेड स्टेट और दूसरे मुल्क हैं उनके जो भी एनालिस्ट्स हैं या जिन लोगों को चाइना के इस प्रोजेक्ट से ख़तरा है या जो इस प्रोजेक्ट को अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं, बकौल उनके चाइना का ये जो मंसूबा है वो यूनाइटेड स्टेट्स को इकोनॉमिकली, क्योंकि चाइना अब एक जॉइंट बन चुका है, फाइनेंशियली चाइना अब एक जॉइंट बन चुका है, मिलिट्री के हिसाब से भी चाइना एक जॉइंट बनता चला जा रहा है और तमाम टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे आप उनकी हवावे देखें, चाहे आप उनके अपने इंटरनेट देखें, चाहे आप उनका टिकटॉक देखें, वो किस हद तक अमेरिका और इंडिया में खास तौर पे पेनिट्रेट कर चुका है उनके सिक्योरिटी इदारों में भी। तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाइना अपने साथ मुल्कों को, गरीब मुल्कों को मिला के और उनको इन कर्ज़ों के जाल में जकड़ के, तो दुनिया की जो पीस है, दुनिया का जो सुकून है, जो कि आप ब्लॉक ऑफ पावर जैसे अमेरिका है और दूसरे मुल्क हैं उनके लिए मसाइल क्रिएट करके अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा है। तो ये इस तरह के कुछ मसाइल हैं जिनका और जिनके बारे में चाइना पे क्रिटिसिज्म होता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये वो सारा सिनेरियो था चाइना का जिसके बारे में हम जिसको सुनते आ रहे हैं कि वन बेल्ट वन रोड का, सीपैक का और बाकी चीज़ें जो मनसूबे हैं और इसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है उस पर भी हम बात कर चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको हमारा ये जो हमारी जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन, हमारा जो एनालिसिस है, कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।